नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ अरुण मिश्रा। आज एक बेहद ही दुखद खबर बॉलीवुड इंडस्ट्री से आ रही है। बॉलीवुड के लेजेंडरी सिंगर और मशहूर म्यूजिक कंपोजर पप्पी लहरी का आज निधन हो गया। पप्पी लहरी ने मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में आज आखिरी सांस ली। इस अस्पताल में पप्पी लहरी को मंगलवार 15 फरवरी को भर्ती कराया गया था। तब पप्पी दा की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अफसोस, पप्पी दा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पप्पी दा का जन्म 17 नवंबर 1952 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था। पप्पी लहरी की 2 संतानें हैं। पप्पी लहरी जी ने बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बड़ी पारी खेली है। उन्होंने अपने करियर में 500 से ज्यादा गानों को कंपोज किया है। इंडस्ट्री में उन्हें पप्पी दा के नाम से भी जाना जाता है। पप्पी लहरी ने महज 19 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। मुंबई आने के बाद उन्हें अपना पहला ब्रेक बंगाली फिल्म दादू 1972 में मिला था। इसके बाद उन्होंने 1973 में फिल्म शिकारी के लिए म्यूजिक कंपोज किया। यही नहीं, 1980 और 90 के दशक में उन्होंने कई जबरदस्त साउंड ट्रैक बनाए। पप्पी दा ने 70 से 80 के दशक में कई फिल्मों में गाने गाए जो काफी जबरदस्त हिट रहे। इन फिल्मों में चलते चलते, डिस्को डांसर और शराबी शामिल है। पप्पी दा ने भारत में 80 से 90 के दशक में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। पप्पी दा ने साल 1985 में फिल्म शराबी के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। वहीं बताया जा रहा है कि बॉलीवुड में उनका आखिरी गाना 2020 में आई फिल्म बागी का भंगस था। पप्पी लहरी को बॉलीवुड का पहला रॉक स्टार सिंगर भी कहा जाता है। पप्पी लहरी को सोना पहनना और हमेशा चश्मा लगाकर रखना पसंद था। गले में सोने की मोटी मोटी चैने और हाथ में बड़ी बड़ी अंगूठियां समेत सोने के ढेर सारे गहने पहनना उनकी पहचान थी। आखिर पप्पी लहरी ने सोना पहनना कब शुरू किया और क्यों शुरू किया, आइए इस बारे में हम आपको बताते हैं। पप्पी लहरी ने एक इंटरव्यू के दौरान इस राज से पर्दा उठाया था। उन्होंने बताया था कि एक हॉलीवुड आर्टिस्ट की वजह से उन्होंने सोना पहनना शुरू किया। पप्पी लहरी ने कहा था, मैं हॉलीवुड सिंगर एल्विस प्रेस्ली को काफी पसंद करता था। मैंने देखा था वह हमेशा एक सोने की चैन गले में पहना करते थे। मुझे उनका वो अंदाज काफी पसंद आया था। एल्विस प्रेस्ली को ही देखकर पप्पी लहरी ने निर्णय किया था कि वह और ज्यादा सफल बनकर रहेंगे। साथ ही पप्पी लहरी सोने को अपने लिए लकी मानते थे। वो उतना सोना पहनना चाहते थे जितना वह इंडस्ट्री में सफल हो पाए। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि पप्पी लहरी कितना सोना पहनकर चलते थे, तो इसका जवाब भी उन्होंने ही दिया हुआ है। 2014 में पप्पी लहरी ने चुनाव लड़ा था। इस दौरान उन्होंने इस बात की जानकारी खुद ही दी थी। जानकारी के मुताबिक पप्पी दा के पास 754 ग्राम सोना और 4.62 ग्राम चांदी थी। स्पेशल कवरेज न्यूज और उनकी पूरी टीम पप्पी दा को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती है और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करती है। भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए स्पेशल कवरेज न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।